आज की वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus 10T के बारे में। क्या ये वाकई में फ्लैगशिप किलर होगा, आपको मोबाइल खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, आपने इसका फर्स्ट इंप्रेशन और लुक्स तो यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस में देख ही लिए होंगे। यहाँ पर अब मैं रिव्यू करूंगा, आपको ये बताऊंगा क्या ये वैल्यू ऑफ मनी है, क्या ये ओवर प्राइस मोबाइल है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने कंप्लीट वॉच कर लेनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल के लुक की। देखिए मोबाइल आपने अलग अलग वीडियोस में देख ही लिया होगा, तो यहाँ पर मुझे डिस्कस करने की जरूरत है नहीं इतनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पर लुक्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना, काफी अच्छा लुक्स के साथ आ रहा है मोबाइल। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइसिंग की, क्या प्राइसिंग आ रही है, देन उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा क्या वाकई में फ्लैगशिप किलर है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसकी इंटरनेशनल प्राइस है यहाँ पर कोई 700 यूरो, वो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट की, पाकिस्तान में किसी किस्म के टैक्सेस नहीं डाले हैं इसके अंदर, डायरेक्ट कन्वर्ट की भारतीय करेंसी से। तो 1,62,700 रुपीज पाकिस्तानी प्राइस, मतलब 1,63,000 पाकिस्तानी रुपीज आई है प्राइस इसकी। इंडिया में ऑफिशियल प्राइस है 50,000 इसकी, ठीक है ना, और यहाँ पर प्राइस तो हो गई है। अभी बात कर लेते हैं रिलीज डेट की, यार पाकिस्तान में कब रिलीज हो रहा है। देखें पाकिस्तान में तो जैसे शॉपकीपर के थ्रू आते हैं यहाँ पर हमारे पास मोबाइल, नॉन पीटीए वगैरह वगैरह, तो वैसे ही आएगा, यहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होगा ये मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है मोबाइल। अभी स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है, वाकई में फ्लैगशिप किलर है भी कि नहीं, ये जस्ट वैसे ही वही पुराने डब्बे, न्यू डब्बे में पुराना मोबाइल उन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, ये हमारे पास है स्पेसिफिकेशन, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये कल ही लॉन्च हुआ है 3 अगस्त को, ठीक है ना, तो आपने भी देखा होगा काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास आ गए हैं, काफी तारीफें कर रहे हैं इसकी। अभी मैं बताऊंगा आपको इस मोबाइल में कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी बातें हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, 204 ग्राम वेट है मोबाइल, काफी हैवी है वजन के हिसाब से। और यहाँ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखे यहाँ पर, अच्छा ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 ना फ्रंट पर मिल जाएगा हमें, और प्लास्टिक फ्रेम आ रहा है, अजीब बात है 700 यूरो का मोबाइल है प्लास्टिक फ्रेम के साथ आ रहा है। इन्होंने तो सैमसंग वालों को भी पीछे छोड़ दिया, प्लास्टिक फ्रेम ये मोबाइल में अच्छी बात नहीं, प्लास्टिक फ्रेम के साथ आ रहा है, एटलीस्ट एल्यूमिनियम बॉडी होनी चाहिए थी। बैक पर यहाँ पर ग्लास लगाया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, और IP68 की रेटिंग तो देख लें जरा, IP68 की रेटिंग मेंशन नहीं की गई है। एमोलेड डिस्प्ले डाला गया 1 बिलियन कलर के साथ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, 6.7 इंच का यहाँ पर हमें स्क्रीन साइज मिल जाएगा, और जस्ट FHD+ रेजोल्यूशन के साथ हमें स्क्रीन मिल जाएगी, और 394 PPI मिल जाएगा। इट्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12, और यहाँ पर क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट मिल जाएगा जो है Snapdragon 8 Plus Gen 1, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वालकॉम के 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मेमोरी कार्ड नहीं मिल रहा हमें, 8 GB RAM, 128 GB स्टोरेज, और 16 GB तक रैम जा रही है, 256 GB तक स्टोरेज जा रही है, ठीक है ना। UFS 3.1 स्टोरेज मौजूद है इस मोबाइल के अंदर। कैमरास की बात कर लेते हैं तो कैमरा मिल जाएगा, मेन सेंसर 50 MP का विद F1.8 अपर्चर, लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की बात करें तो जस्ट 8 MP का कैमरा डाला गया, 2 MP का मैक्रो सेंसर डाला गया, जो कि जस्ट दिखाने के लिए डाला गया, उसकी वैसे कोई हैसियत कोई औकात है नहीं है, ठीक है ना। जस्ट 4K वीडियो बनाएगा, 8K वीडियो शूट नहीं करेगा। ये सेल्फी कैमरा मिल जाएगा 16 MP, ये जस्ट 1080p वीडियो बनाएगा। विद स्टीरियो स्पीकर 3.5mm जैक, और ब्लूटूथ 5.3 के साथ आ रहा, फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले मिल जाएगा, 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। अच्छा यहाँ पर देखें 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमें मिल जाएगी, और जो जहाँ पर 110 वॉट अवेलेबल होते हैं मतलब यूरोपीय ममालिक में, तो वहाँ पर 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, ठीक है। 4800 mAh की सेल मिल जाएगा यहाँ पर, $700 की प्राइस है। अभी बात कर लेते हैं क्या फ्लैगशिप किलर है। देखें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मुझे तो बिल्कुल फ्लैगशिप किलर नहीं लगा, बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अभी इन्होंने सबसे पहले जो ब्लेंडर किया ना, वो उसकी बिल्ड क्वालिटी पे किया है। यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम आ रहा है यहाँ पर पहली बात, और बेस वेरिएंट में इन्होंने 128 GB लगाया, कोई बात नहीं, रैम भी लगाई है कोई बात नहीं, प्रोसेसर भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर हमें डिस्प्ले भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। कैमराज पे चलते हैं, कैमरा मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया है, बिल्ड क्वालिटी और कैमरा देखें। हाँ यहाँ पर ना 8K वीडियो शूट नहीं करा सबसे पहले बात, और दूसरी बात यहाँ पर देखें 2 MP का मैक्रो सेंसर डाल दिया गया, जस्ट नाम के लिए डाला गया, वरना इसकी कोई हैसियत है नहीं है, ठीक है ना। जस्ट 50 MP का मेन सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा वाइड इन्हें डालना चाहिए था कम से कम 16 MP का, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। यहाँ पर देखें सेल्फी कैमरा 16 MP का डाल दिया, ठीक है, बट 4K वीडियो होनी चाहिए थी, 1080p वीडियो है, जस्ट
जो लोग 4K नहीं शूट करते फ्रंट कैमरा से उनके लिए तो ठीक रहेगा ये। और 3.5 mm जैक नहीं है, स्टीरियो स्पीकर मौजूद है। अच्छा यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं मजीद। देखें यहाँ पर ना अंडर डिस्प्ले सेंसर भी मिल रहा है, 4800 mAh की बैटरी मिल रही, टाइप सी 2.0 मिल रही है यहाँ पर। अच्छा टाइप सी 2.0, तो यहाँ पर वाई नॉट इट्स कम विद टाइप सी 3.1, ठीक है ना। तो 2.0 के साथ आ रहा है तो हमें स्पीड भी कम मिलेगी जो 3.1 होती है, और चार्जिंग भी थोड़ी कम मिलेगी उसके मुताबिक, ठीक है ना। और यहाँ पर $700 की प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइसी लग रहा है मोबाइल, खासकर इसके कैमरा डिपार्टमेंट को देख के और बिल्ड क्वालिटी को देख के, जो उसका फ्रेम बताया गया यहाँ प्लास्टिक फ्रेम के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक फ्रेम आज के ज़माने में एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। पाकिस्तान में कोई 1,70,000 का मोबाइल इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, अब इस प्राइस रेंज के हिसाब से क्या कह सकते हैं इस मोबाइल को, इतना ज़्यादा ओवर प्राइसी। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से आपको स्किप कर देना चाहिए मोबाइल, नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसमें रीज़न नहीं है बाय करने की, ठीक है ना। अब प्रोसेसर तो यहाँ पर आपको दूसरे शाओमी के मोबाइल्स में मिल जाता है, ये 8 Gen 1 Plus, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही। FHD रेजोल्यूशन भी मिल जाती है, या तो क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ आता मोबाइल, जब अलग बात होती, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीन साइज़ भी तो ठीक है, स्क्रीन साइज़ इतना बुरा नहीं है स्क्रीन साइज़। बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वीडियो के अंदर ये ओवर प्राइसी मोबाइल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइसी लग रहा है, और इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है लुकिंग के हवाले से। और आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, बट मेरे ख्याल से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता इतना एक्सपेंसिव मोबाइल ख़रीदें, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा कॉस्टली है, 700 यूरो इसकी प्राइस है इंटरनेशनली, पाकिस्तान में कोई 1,70,000 का, इंडिया 50,000 रुपये का मोबाइल, और बिल्ड क्वालिटी क्या है, प्लास्टिक फ्रेम बस। और यहाँ पर इसका कैमरा भी इतना ख़ास नहीं है, 8K वीडियो शूट करनी चाहिए थी। अगर आप 8K वीडियो नहीं शूट करते, 4K शूट करते हैं, तब आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है प्लास्टिक का मोबाइल है या तो फिर एलुमिनियम का मोबाइल है या फिर टाइटेनियम बॉडी के साथ आ रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आप बाय कर सकते हैं इसको। मैं बस एंड में यही बात कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ, मोबाइल ओवर प्राइस ही है और इसमें इतनी ज़्यादा ख़ास चीज़ें हैं नहीं जिसकी वजह से इसको बाय किया जाए, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्क्रीन पे मेरे चैनल भी आ चुका है, वीडियो भी चल चुकी हैं, आप चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी देख सकते हैं। और जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया किए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एंड में एक ही बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फ्लैगशिप किलर फलां फलां, बड़ी बड़ी चीज़ें, ज़बरदस्त मोबाइल। तो मैं बस यही कह सकता हूँ इस वीडियो में, ओवर प्राइसिंग मोबाइल है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मोबाइल के अंदर हैं नहीं, ठीक है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।